हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बुधवार को पंचकुला में भाजपा की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मीटिंग में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सिंह सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूँ, नायब सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब ने बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को नेता चुना है। देश की जनता ने पहले ही मोदी जी को देश का नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इसके बाद बीजेपी विधायक दल ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल गुरुवार को 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे। बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी जो हरियाणा का संपूर्ण विकास करेगी। हरियाणा ने इस 10 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई सारे विकास के काम, मैं पूरी गाथा तो नहीं बता सकता मगर मैं कुछ चीजें जरूर बता। एक भ्रांति फैलाई गई कि किसानों को अन्याय हो। मैं आज विपक्ष को इस मन से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथी हरियाणा है। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बता देता हूं, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी, ये हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज मैं फिर से मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है।